पदारोसा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पिज्जा सैंडविच। ये सैंडविच सबको पसंद आती है और बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आती है और इसे बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ ब्रेड की दो स्लाइस ली है। ये होल व्हीट ब्रेड है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। अब एक स्लाइस पर एक टीस्पून शेजवान सॉस फैलाना है। आप पिज़्ज़ा सॉस या टोमेटो सॉस भी ले सकते हैं। अब दूसरी स्लाइस पर हरी चटनी फैलानी है। शेजवान सॉस और ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब इस पर कटे हुए प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पिज्जा सीजनिंग, आप चाहे तो ओरिगेनो भी ले सकते हैं, थोड़ी चिली फ्लेक्स, एक चुटकी नमक और कद्दूकस की हुई चीज डालकर दूसरी स्लाइस से कवर करना है। अब इसे तवे पर सेकना है। अब इस पे घी डालकर लो फ्लेम पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकना है। आप इसमें सब्जियां अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकती हैं और चीज की मात्रा कम या ज्यादा भी कर सकती हैं। मैंने पिज्जा चीज ली है, आप कोई भी चीज ले सकती हैं। और हाँ, इसमें नमक ना के बराबर ही डालना है क्योंकि शेजवान सॉस, ग्रीन चटनी और चीज में नमक पहले से ही है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। मैंने यहाँ आयरन का तवा यूज किया है, आप चाहें तो नॉनस्टिक तवा भी यूज कर सकते हैं। सैंडविच दोनों तरफ से सिक चुकी है, अब इसे कट करना है। सैंडविच तैयार है। थैंक यू।